पवित्र ग्रंथ भारत के संविधान की शपथ खाकर शासन को चलाने वाले माननीयों को सद्बुद्धि कब आएगी, मेरे समझ में यह बात नहीं आती। हम इस समय खड़े हैं वाराणसी के ट्रामा सेंटर पर। यह पूर्वांचल का विश्वसनीय ट्रामा सेंटर है जहां लोगों का इलाज होता है। मैं दो घटनाओं का जिक्र करना चाहूँगा, दोनों ही घटनाएँ गाजीपुर की हैं। एक घटना है सुबह 21 अक्टूबर को अपराधी आते हैं और बृजेश मिश्र जो दैनिक जागरण के पत्रकार हैं और आरएसएस के कार्यकर्ता हैं उनकी हत्या कर देते हैं। अनिमेश मिश्रा उनका छोटा भाई अपराधियों से भिड़ता है, ईंट पत्थर लेकर के उनका सामना करता है, उसे भी गोली चलाते हैं, गंभीर रूप से घायल होकर के एक निजी हॉस्पिटल में जाता है। तत्पश्चात उसे ट्रामा सेंटर में ले आया जाता है जहाँ अब तक प्राइवेट चिकित्सालय से लेकर यहाँ तक 2 लाख रुपये खर्च हुए हैं। 1 रुपया शासन स्तर से नहीं मिला। जो भी है लोग किसी तरह से कुछ दया भाव रखने वाले और व्यक्तिगत स्रोत से लोग खर्च कर रहे हैं। कल गाजीपुर के पुलिस कप्तान ने 25,000 रुपये भिजवाया था। दूसरी घटना का जिक्र मैं करना चाहूँगा, कल ही सुबह यानी 25 अक्टूबर 2017 को सैदपुर गंगा घाट पर एक महिला से चेन खींचकर भागने वाले मोटरसाइकिल सवार 3 अपराधियों से चंदन निषाद लड़ गया। ईंट पत्थर लेकर के उनका सामना किया, दबोच लिया, उसमें बदमाश उसे गोली मार करके घायल कर देते हैं, उसका भी ऑपरेशन हुआ। चंदन निषाद भी यहाँ है। चंदन निषाद को शासन ने 1 रुपया नहीं दिया और अमितेश मिश्रा के इलाज के लिए भी शासन ने 1 रुपया नहीं दिया। भारत का संविधान कहता है कि देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति को संपूर्ण सुरक्षा और उसके गरिमामय जीवन जीने का अधिकार हम प्रदान करते हैं। राज्य के दायित्व का भी निर्धारण करते हुए कहा गया है कि हम दवा के अभाव में किसी को मरने नहीं देंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब, इन दोनों बहादुर लोगों ने अपराधियों से लड़ करके आज जीवन और मृत्यु के बीच की कड़ी बन करके संघर्ष कर रहे हैं। मैंने आपको ट्वीट किया था, आपको किया था, DGP सुल्तान साहब को किया था, प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी साहब को किया था। हो क्या रहा है? भाषण तो देते हो, आप सभी कहते हो कि हम संविधान का पालन करेंगे, अपराध खत्म होगा, अपराधियों और तस्करों पर टूट पड़ेंगे हम। यह दो मामले में बता रहा हूँ, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है। हम किसी प्रक्रियावाद से, हम किसी इस तरह से पूर्वाग्रह और दुराग्रह से ग्रसित नहीं है, लेकिन संविधान में जो वर्णित हमारे फंडामेंटल राइट हैं उसका हनन हो रहा है। इस मामले को एक सचेत नागरिक की हैसियत से आप तक पहुंचा रहा हूं। एक का 2 लाख लगा, एक का लगभग 70,000 रुपया लगा, लोगों ने किया है। ऐसे में जिन्हें प्रशस्ति जिनकी करनी चाहिए, आपका कोई प्रतिनिधि आता और ऐसे लोगों से मिलता, उनकी पीठ थपथपाता, इनके इलाज का आप कहते कि ऐसे बहादुर। वैसे तो सभी मरीजों के इलाज के लिए राज्य का दायित्व है कि इलाज कराएगा, लेकिन ऐसे मरीजों का जो लड़ करके बहादुरी से अपराधियों और डकैतों का सामना करके आज जीवन और मृत्यु की कड़ी बन करके यहाँ जूझ रहे हैं, ऐसे लोगों का इलाज कब कराओगे? मैं पूरा मामला आपको भेजता हूँ और जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको भेजता हूँ। हमारे प्रदेश के गाजीपुर के सांसद जी हैं जो दो केंद्रीय मंत्रालय आज धारण किए हैं, उनको भेजता हूँ, प्रधानमंत्री जी को भेजता हूँ, मुख्यमंत्री जी को भेजता हूँ। आशा है आप सभी के ज्ञान चक्षु खुलेंगे और हमने अपने फंडामेंटल ड्यूटी का पालन किया है। यह हर व्यक्ति का दायित्व है, संचार क्रांति के युग में ऐसी बातों को पहुँचाएगा। मैं भी पहुँचा रहा हूँ, ट्वीट भी करूँगा, वीडियो भी भेजूँगा और ऐसे लोगों का इलाज कराइए। बहुत पाप पड़ेगा, आप संवैधानिक पद पर हैं, आपने भारत के सबसे पवित्र ग्रंथ संविधान की शपथ खाया है, उसका उल्लंघन होते हुए प्रस्तुत मामले में मैं देख रहा हूँ। संविधान के आर्टिकल 21 का भी उल्लंघन हो रहा है। मैं आज हूँ 26 अक्टूबर 2017 को सांध्यकालीन समय है वाराणसी के ट्रामा सेंटर पर। बहुत बहुत धन्यवाद।